हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे। हिंदू लॉ में हम कंसेंट थ्योरी, कस्टमरी डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये एडवाइजेबल है कि आप अपने हिंदू लॉज के बेरेक्ट अपने पास रखें। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं, डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट में तीन थ्योरीज के बेसिस पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। फर्स्ट है फॉल्ट थ्योरी, सेकेंड है ब्रेकडाउन थ्योरी, थर्ड है कंसेंट थ्योरी। हम फर्स्ट दो थ्योरीज पढ़ चुके हैं, आज हम कंसेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। कंसेंट थ्योरी ये बताती है कि जैसे पार्टीज़ फ्रीली अलाउड हैं मैरिज जैसे बंधन में एंटर होने के लिए, वैसे ही उन्हें फ्रीली अलाउड होना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए, उसे डिसॉल्व करने के लिए। जो बेसिस है कंसेंट थ्योरी के इस आइडिया के पीछे वो ये है कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और जैसे पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीली अलाउड होती है एंटर होने के लिए, और फिर इन केस उन्हें फील होता है कि हमसे गलत कॉन्ट्रैक्ट में हमने एंटर कर लिया, हमसे गलती हो गई, वैसे पार्टीज़ भी फ्री हैं मैरिज जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, और इन केस वो रियलाइज़ करती हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत डिसीजन ले लिया, तो उनको फ्रीली डिसॉल्व करने के लिए यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीली एंड करने की भी इजाज़त होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम उन्हें ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ रखेंगे तो ऐसे घर में लड़ाई झगड़ा ही होगा, जो कि आने वाले बच्चे या जो बच्चे अभी वहाँ रह रहे हैं उनके लिए अच्छे नहीं है, उनकी परवरिश के लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है। ये क्रिटिसिज्म कुछ ऐसा है कि ये थ्योरी डाइवोर्स को बड़ा ही ईजी बनाती है, और वहीं दूसरे तरफ ये डाइवोर्स को बड़ा ही डिफ़िकल्ट बनाती है। ईजी इस तरह से कि पार्टीज़ पर कोई बंदिश नहीं है, वो जब चाहे डाइवोर्स ले सकते हैं, जब उनका मन करे, बिना सोचे समझे या गुस्से में या किसी भी रोष में आके वो ये डिसीजन ले सकते हैं। वहीं दूसरी और डिफ़िकल्ट इस तरह से क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट दोनों पार्टीज़ की ज़रूरी है। अगर एक पार्टी कंसेंट नहीं दे तो दूसरी पार्टी उसके साथ बंध कर रह जाएगी। सेंसस थ्योरी में काफ़ी लूप होल्स दिखते हैं, इसलिए जब हमारे लेजिस्लेचर ने इसे हिंदू लॉ में इनकॉर्पोरेट किया तो काफ़ी सेफ गार्ड्स भी इसके साथ अपेंड या अटैच कर दिए। अब हम देखते हैं कि हमारे लेजिस्लेचर ने इसे हिंदू लॉज में किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया और किस फॉर्म में और क्या प्रोविजंस लेड डाउन हैं। आप अपनी बेर एक्ट खोलें और सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को रीड करें। सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको प्रोवाइड करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये प्रोविजन लेजिस्लेचर ने 1976 अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस या फिर इंसर्ट किया था आपके हिंदू मैरिज एक्ट में। अब हम इस सेक्शन के एसेंशियल्स प्रोसीजर्स को पूरे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम एसेंशियल्स की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आपको डाइवोर्स लेना है सेक्शन 13B में दोनों पार्टीज़ को, तो एक जॉइंट पिटिशन फाइल करनी होगी कोर्ट में, और उसमें ये बताना होगा कि हम पिछले एक साल से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे और ना ही हम फ्यूचर में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ नॉट लिविंग टुगेदर का मतलब ये नहीं कि वो अलग अलग घर में रह रहे हों, वो सेम ही घर में रहते हुए पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हों, तो ऐसे केसेस भी कवर होंगे इसमें। जैसे ही पार्टीज़ म्यूचुअल कंसेंट से ऐसी पिटीशन लगाती हैं उसके बाद 6 मंथ्स के लिए कोई एक्शन नहीं होता ऐसी पिटीशन में, एक लल पीरियड होता है। ये लल पीरियड इसलिए है क्योंकि लेजिस्लेचर की पॉलिसी है कि 6 महीने का टाइम पार्टीज़ को पूर्ण विचार करने के लिए देना चाहिए कि वो क्या रिकनसाइल एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, क्या उन्होंने रोष में आकर गलती से ये पिटीशन फाइल कर दी और इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 6 महीने कोई एक्शन कोर्ट नहीं लेगा और आपको अपने जो आपने पिटीशन दायर की है उसको रिकंसिडर करने का एक टाइम मिलता है। लेट से 6 महीनों में पार्टीज़ इसे विड्रॉ नहीं करती हैं और आगे मूव फॉरवर्ड करती हैं पिटीशन के साथ, तो आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा? आफ्टर 6 मंथ्स पार्टीज़ को एक सेकेंड मोशन पास करना होगा अपनी पिटीशन में, और ये आफ्टर 6 मंथ्स होगा और बिफोर 18 मंथ्स होगा, 18 महीनों से पहले और 6 महीने के बाद। इस मोशन में वो ये बताएंगे कि हम अभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, हम अपने डिसीजन के साथ फर्म हैं, जो हमने पिटीशन के टाइम हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, हम उसी सेम स्टैंड को अडॉप्ट करते हैं अभी भी, और आप हमें डाइवोर्स की डिक्री दीजिए। तो जब सेकंड मोशन पास होगा कोर्ट इंक्वायर करेगा कि क्या पार्टी सच बोल रही हैं, या फिर पार्टी से पूछेगा कि आप में से किसी ने कंसेंट विड्रॉ तो नहीं करनी या आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही, जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं सेक्शन 13B के अगेंस्ट वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। कोर्ट उनको इंक्वायर करेगा और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है रिगार्डिंग ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द पार्टीज़ तो कोर्ट विल ग्रांट देम डाइवोर्स, कोर्ट उनको डाइवोर्स की डिक्री दे देगा।
देखिए इसे प्रैक्टिकली यहाँ समझते हैं। 6 महीने का पीरियड तो जो लल पीरियड है, जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, वो तो लेजिस्लेचर की पॉलिसी है कि पार्टीज रोष में आकर अगर कोई ऐसा फैसला लेती है तो उनके पास कुछ टाइम होना चाहिए इसको रिकंसिडर करने का। तो इसलिए 6 महीने तक तो कोर्ट एक्शन ऐसी पिटीशन पर नहीं ले सकता, 6 महीने के अंदर अंदर डाइवोर्स नहीं दे सकता। पर उसके बाद 6 महीने और 18 दिन जो है उसे समझते हैं, क्या पार्टीज कभी भी 6 महीने के बाद सेकंड मोशन लगा सकती हैं या 18 महीने के बाद ही लगाना है। तो इसका आंसर है कि पार्टीज़ खुद ये मोशन नहीं लगाती। एक तरह से जब आप पिटीशन डालते हैं कोर्ट में तो कोर्ट आपकी पिटीशन को एडजर्न कर देता है और आपको डेट देता है 6 महीने के बाद की। अब 6 महीने के बाद की डेट कभी भी हो सकती है, 7वें महीने, 8वें महीने, 9वें महीने कभी की डेट भी हो सकती है। तो आपको वो 9वें महीने, 8वें महीने, लेट्स सपोज आपकी डेट 9वें महीने की लगी है, आपको 9वें महीने में कोर्ट बुलाएगा और आपको सेकंड मोशन जो आपका पास होगा उस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आप कंसेंट विड्रॉ तो नहीं कर रहे, जबरदस्ती तो नहीं हुई, अभी भी अपने स्टैंड के साथ फर्म हो, अभी भी अलग होना चाहते हो। तो अगर आप बोलोगे हाँ तो फिर कोर्ट आपको डिक्री ऑफ डिसॉल्यूशन पास कर देगा। अब 13B के केस में, म्यूचुअल डिवोर्स के केस में एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है क्या इसे वेव ऑफ कर सकते हैं या ये मैंडेटरी है। अब डिफरेंट हाई कोर्ट्स की डिफरेंट ओपिनियन थी, ऑल दो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था निखिल कुमार वर्सेज रूपाली कुमार में कि जो ये स्टैचूटरी पीरियड है 6 मंथ्स का, जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, ये मैंडेटरी नहीं, मेरे लिए डायरेक्टरी है। और अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जहां पार्टीज़ का एक दूसरे के साथ रहना 6 महीने के लिए भी बड़ा ही मतलब मुश्किल है और कोई मतलब चारा ही नहीं है, वो रह ही नहीं सकते किसी भी सर्कमस्टांसेस में, तो ऐसे केसेस में 6 महीने होने से पहले, इस मैंडेटरी पीरियड को ओवर होने से पहले भी उन्हें आप डाइवोर्स की डिक्री दे सकते हैं, इस 6 महीने के पीरियड को वेव ऑफ कर सकते हैं बाय एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है जस्टिस करने की सर्कमस्टांसेस में जहां कोई लॉ अवेलेबल नहीं है। हाउएवर इस डिसीजन के बाद एक क्वेश्चन उठ गया था, क्या ये पावर वेव ऑफ करने के खाली सुप्रीम कोर्ट के पास ही है या फैमिली कोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो निखिल कुमार के केस में तो इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया गया, लेकिन आपके पास अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का डिसीजन है 2017 सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि इवन फैमिली कोर्ट्स भी अगर ऐसा कोई केस उनके सामने आता है जहाँ पर पार्टीज़ का एक दूसरे के साथ रहने का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई मतलब कोई फ्यूचर नहीं है और वो रह ही नहीं सकते, तो बिल्कुल ऐसे कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 6 महीने का पीरियड मैंडेटरली उनका एग्जॉस्ट करवाना ही करवाना है और उन्हें तब तक एक दूसरे के साथ बांध के रखना है। जब अगर सामने दिख रहा है कि वो रिकनसाइल किसी भी हालत में नहीं करेंगे, बिल्कुल वो ओके हैं एक अलग रहने में, तो ये 6 महीने तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस 6 महीने के पीरियड को इवन फैमिली कोर्ट्स भी वेव ऑफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन उठता है कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ पार्टीज पिटीशन तो दायर करती हैं, पर उसके बाद एक पार्टी क्या म्यूचुअल कंसेंट अपनी यूनिलैटरली विड्रॉ कर सकती है, और म्यूचुअल कंसेंट दोनों पार्टीज़ की किस स्टेज तक होनी चाहिए, क्या फर्स्ट मोशन यानी कि पिटीशन जब दायर किए तब, या सेकंड मोशन जब आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा, या जब तक कोर्ट डिक्री आपको ग्रांट नहीं कर देता तब तक। यहाँ भी डिफरेंट हाई कोर्ट्स की डिफरेंट ओपिनियन थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी कंट्रोवर्सी को सेटल डाउन किया सुरेश्ता देवी वर्सेस ओम प्रकाश के केस में। ये 1992 का केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ एक वाइफ ने आफ्टर उन्होंने कंसेंट दी थी पिटीशन दायर करने के लिए, पिटीशन दायर हुई उसके बाद उन्होंने यूनिलैटरली मतलब अकेले अपनी साइड से ही पिटीशन अपनी विड्रॉ कर ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसे केस में डाइवोर्स की डिग्री नहीं मिल सकती क्योंकि दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट जब तक डाइवोर्स की डिक्री ना मिल जाए तब तक होनी चाहिए, इट शुड सब्सिस्ट टिल द डिक्री ऑफ डाइवोर्स इज पास्ड। हाउएवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में अपने ही सुरेश्ता देवी वाली जजमेंट को ओवर रूल करते हुए अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा में ये डिसाइड किया था कि डाइवोर्स की डिक्री इवन जब एक पार्टी अपनी यूनिलैटरली कंसेंट विड्रॉ कर लेती है उसके बाद भी दी जा सकती है, ऐसे केसेस में जहां मैरिज इररिट्रिवली ब्रेक डाउन हो गई है, कोई पार्टीज़ का एक दूसरे के साथ रहने का मतलब कोई उसमें सेंस नहीं बनती। इस केस में ऐसा हुआ था कि पहले दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअली पिटीशन दायर की थी, उसके बाद हस्बैंड ने कुछ प्रॉपर्टी वाइफ के नाम कर दी थी, जैसे ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन हुई वाइफ ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे केस में ऑल दो हमारे पास सुरेश्ता देवी के केस को अगर प्रेसिडेंट लेके चलें तो हम डाइवोर्स नहीं देंगे, पर सिंस आपकी मैरिज इररिट्रिवली ब्रेकडाउन हो चुकी है, आपका साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता, हम
ऑल दो एक पार्टी ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली है, हम आपको डाइवोर्स दे देंगे, क्योंकि जब आपने पिटिशन लगाई थी डाइवोर्स की तब आप म्यूचुअल कंसेंट से आए थे, ऑल दो बाद में विड्रॉ की है कंसेंट। ये जो व्यू है ये ज़्यादा करेक्ट लगता है अशोक खुरा वाला, क्योंकि कई बार सोसाइटी का प्रेशर भी होता है खासकर वेमेन पे, अगर वो डाइवोर्स हस्बैंड के साथ डिसाइड करके गई हैं कि लेने के लिए, उन्होंने पहला मोशन लगाया है कोर्ट में, पर उसके बाद सोसाइटी का प्रेशर वो झेलती हैं, वो सोचती हैं कि आगे क्या होगा, कई लोग उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस केस में वो शायद लेटर ऑन अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लें। और एक और चीज़, अगर ऐसा होना लगा कि पार्टीज़ अपनी लेटर ऑन कंसेंट विड्रॉ कर ले और डाइवोर्स की पिटिशन डिसमिस हो जाएगी, तो ऐसी पार्टीज़ जहाँ मैरिज टूट चुकी है, बिखर चुकी है, तो उन्हें ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ रखने का कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए कोर्ट ने बोला है कि कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट तभी तक होनी चाहिए जिस दिन आप पिटिशन लेकर आए हो, उसके बाद है या नहीं है वो इतना ज़रूरी नहीं है ऐसे केसेस में जहाँ मैरिज पूरे तरीके से इररिट्रीवेबली इररिपेयरेबली ब्रेक डाउन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कुछ चेक्स एंड बार्स की जो सेक्शन 13B की रिलीफ देते समय कोर्ट को ध्यान में रखनी है। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 का क्लॉज BB और क्लॉज C पढ़ें। यहाँ पर कोर्ट को ध्यान देना है कि जो कंसेंट है किसी भी पार्टी की, वो फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फोर्स के थ्रू प्रोक्योर नहीं की गई है, और ये भी चेक करना है कि कोल्यूजन तो नहीं है पार्टी की, यानी कि किसी पार्टी की किसी के साथ मिली भगत तो नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कस्टमरी डाइवोर्स की। आप अपनी हिंदू मैरिज एक्ट की बेयर एक्ट में सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 पढ़ें। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 अभी भी रिकग्नाइज करता है डाइवोर्स, कस्टमरी डाइवोर्स को, जहाँ भी ऐसे कस्टम्स हैं जो डाइवोर्स को गवर्न करते हैं वहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के डाइवोर्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, प्रोवाइडेड ऐसे कस्टम्स जो हैं वो इमोरल ना हो और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ना हो। हम यहाँ कुछ कस्टम्स की एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जो सीख जाट होते हैं पंजाब में, वहाँ पे हस्बैंड के पास पावर है अपनी मैरिज को रेपुडेट करने की, और इमिडिएटली रेपुडेशन के बाद वाइफ फ्री है दूसरी शादी करने के लिए, यहाँ रेपुडेशन को हम डाइवोर्स का दर्जा देंगे। वहीं वैश्या कम्युनिटी के पास भी एक ऐसा ही एक कस्टम है जहाँ पर डिजर्शन या अबैंडनमेंट होती है किसी वाइफ के हस्बैंड के द्वारा, तो वो भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ही कहलाती है। वैसे ही कुछ कास्ट और ट्राइब्स में म्यूचुअल डाइवोर्स का भी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन की। आप अपनी हिंदू मैरिज एक्ट के बेयर एक्ट में सेक्शन 10 निकालें। आप सेक्शन 10 को एक बेयर रीडिंग दीजिए। सेक्शन 10 हमें जुडिशियल सेपरेशन की रिलीफ प्रोवाइड करता है। ये हमारी फोर्थ मैट्रिमोनियल रिलीफ है। हमने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, नलिटी ऑफ मैरिज और डाइवोर्स की रिलीफ ऑलरेडी पढ़ ली है। अब हम जुडिशियल सेपरेशन क्या है और इसके क्या प्रोविजंस हैं हिंदू मैरिज एक्ट में वो देखते हैं। सेक्शन 10 हमें बताता है कि कोई भी पार्टी टू द मैरिज डाइवोर्स के ग्राउंड्स पर, जो कि सेक्शन 13(1) या सेक्शन 13(2) जो वाइफ को अवेलेबल है, ऐसे ग्राउंड्स पर एक पिटिशन लगा सकती है कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन के लिए। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं मैरिज की, वो प्री एक्ट या पोस्ट एक्ट मैरिज हो सकती है, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले की शादी या बाद की शादी। जब कोर्ट में ऐसी पिटिशन लगती है और कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ग्रांट कर देता है, तो ये मेयरली सस्पेंड करती है कोहैबिटेशन, यानी कि हस्बैंड वाइफ को अब एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सबसेक्शन 2 जो सेक्शन 10 का है वो हमें प्रोवाइड करता है कि कोई भी पार्टी टू द मैरिज एक एप्लीकेशन लगा सकती है जहाँ पर वो डिमांड कर सकती है कि जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री है उसे कोर्ट रिवोक करे, और कोर्ट अगर ये देखता है कि जो पार्टी ने बात कही है अपनी एप्लीकेशन में वो सच है, तो कोर्ट इस डिग्री को रिवोक भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर आप अपनी बेयर एक्ट में सेक्शन 13A पढ़ें। इवन सेक्शन 13A में लेजिस्लेचर ने कोर्ट को एम्पावर किया है कि अगर कोर्ट के पास डाइवोर्स की कोई पिटिशन आती है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग डाइवोर्स, कोर्ट अगर चाहे तो उस पर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे सकता है अगर कोर्ट को यही सही लगता है। अब हमने देखा कि पार्टीज़ को भी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डाइवोर्स एक जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री और प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है जुडिशियल सेपरेशन का। इवन कोर्ट्स को भी एम्पावर किया गया है कि डाइवोर्स की जगह आप भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे सकते हैं। तो इसके पीछे पॉलिसी क्या है लेजिस्लेचर की, वो ये है कि कई बार पार्टीज़ गुस्से में आकर, रोष में आकर डिसीजन ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे इस आदमी इस औरत के साथ नहीं रहना, पर वो एकदम से डाइवोर्स भी लेना नहीं चाहते।
या फिर कई बार होता है कि अगर आपकी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से कर दी गई है, आपको कुछ टाइम चाहिए एडजस्ट होने में, आप नए माहौल में नई जगह नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते और आप डाइवोर्स के लिए भी नहीं जाना चाहते, आप उस रिश्ते को एक सेकेंड चांस देना चाहते हो, आप पूरी तरह से उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हो, बस आपको कुछ टाइम चाहिए, तो ऐसे केस में सिंस आप डाइवोर्स लेना नहीं चाहते, तो क्या आप बिना मन के ही आगे शादी को कंटिन्यू करोगे या फिर डाइवोर्स के लिए ही पिटिशन फाइल करोगे? तो ऐसे केस में आपको लेजिस्लेचर ने एक ऑल्टरनेटिव रिलीफ प्रोवाइड की है जुडिशियल सेपरेशन के नाम की, और ये जो रिलीफ है ये डाइवोर्स से काफ़ी हद तक कम क्रूअल है, क्योंकि ये आपकी शादी को एंड नहीं करती, आप अभी भी हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे, बस आपकी जो म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है एक दूसरे के प्रति उन्हीं को सस्पेंड करती है। इन केस ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन ही एक स्पाउस की डेथ हो जाए तो दूसरे स्पाउस को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट अभी भी बरकरार रहता है और वो अपने स्पाउस से अलग तो रह सकते हैं लेकिन उन पर कोई डिजर्शन का चार्ज या फिर एक्यूजेशन भी नहीं आएगा और ना ही इस ग्राउंड पर उनके अगेंस्ट डाइवोर्स की पिटिशन फाइल होगी। और ऐसे केसेस में जहां किसी की शादी उनकी मर्जी के बिना कर दी गई है और वो सोसाइटी के प्रेशर में डाइवोर्स भी नहीं ले सकते क्योंकि वो डाइवोर्सी के टैग के साथ नहीं जी सकते, तो ऐसे केस में भी जुडिशियल सेपरेशन की जो रिलीफ है वो उनके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। लेजिस्लेचर की यही पॉलिसी है कि ऐसे केसेस में शादी एंड करने के बजाय पार्टीज थोड़ा टाइम ले और दोबारा रिकनसाइल कर ले। ये था आपका आज का लेक्चर कंसेंट थ्योरी, कस्टमरी डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन पर। अगर आपको इन टॉपिक्स पर मॉडल आंसर और MCQs चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।